सोचा था कि इस जन्म में हम करोड़पति बन जाएंगे। माधवी, इंसान को हमेशा सपने देखने चाहिए लेकिन खुली आंखों से। मैं भी हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना सपने देखा करता था कि हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, और देखो मेरा सपना पूरा हो गया। देखना माधवी, अब हमारे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। आहो, मैंने ना 1 करोड़ रुपयों के बारे में कुछ सोचा है। सांगू? सांग माधवी, अभी तुम्हारे दिल की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, बताओ। मैंने सोचा है कि 1 करोड़ में से 60 लाख का इसी एरिया में बड़ा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। किसी आइडिया? अरे मस्त आइडिया माधवी, मैं भी यही सोच रहा था। 60 लाख पे अपने एरिया में एक मस्त बिगी फ्लैट मिल जाएगा और फिर इस फ्लैट को हम लोग भिड़े ट्यूशन क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। वाह वाह वाह, मस्त। और इसी फ्लैट में ट्यूशन क्लास और अचार पापड़ का बिजनेस दोनों चलाएंगे। और हाँ, बचे हुए 40,000 में से हम 40,000 का है, 40 लाख बोलो, 40 लाख। सुकले सुकले, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। कर ला। का है, लाख बोलने की आदत नहीं है ना? अभी आदत डाल दो माधवी। हाँ बरोबर है, बरोबर है। हाँ, तो सबसे पहले 40 लाख में से 25 लाख की FD कर देंगे सोनू की पढ़ाई और हमारे फ्यूचर के लिए। यस यस माधवी, फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, आगे जाके महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। तेज ना। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, फिर भी 15 लाख रुपए बचते हैं, उसका क्या करना है? 15 लाख। हाँ, 15 लाख में से 5 लाख हम नए फ्लैट के इंटीरियर में खर्च करें तो? Okay, not a bad idea, but Mrs. Madhvi Atmaram Bhire. Yes? For your kind information, we still have 10 lakh rupees balance. What about that? How much? 10 lakh, 10 lakh. Oh, 10 lakh. एक नई कार खरीदे तो? वैसे भी आपकी वो स्कूटर खटारा हो गई है। Well, good idea. कार तो खरीदते हैं माधवी, लेकिन साथ में तुम्हारे लिए एक डायमंड का सेट खरीदते हैं। तुम्हारा सपना था ना डायमंड का सेट खरीदने का। एंड वी विल बाय टू। एक तुम्हारे लिए और एक आपके लिए, सोनू के लिए। अरे उसकी शादी भी तो करनी है। हाँ। ओह, सच में पैसा पास में हो तो कितनी हिम्मत आ जाती है ना, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना।